बोल सच के। मैं सब सच बता रहा हूँ। क्या करूँ ऐसे आधे अधूरे सच का मैं? क्या करूँ ऐसी किसी आदमी? अरन्ना चाहती थी कि मैं वो एक तो जला दूँ या तो उसे दे दूँ ताकि रेवती प्रॉब्लम में ना आए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने देखा, मयंक ने पूरा सच बोल दिया, पूरा सच रियांश के सामने आया है और रियांश ने मयंक को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। लेकिन आराधना अभी भी दुखी है। वो कह रही है कि ऐसे आधे अधूरे सच का क्या करें, क्योंकि उसकी जो जग में बदनामी हुई और उसके घर वालों ने मींस उसके माँ बाप ने उसे घर से भी निकाल दिया। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि आराधना की मॉम आराधना से मिलने आएगी और उसको रियल मॉम की जो आराधना की रियल माँ है उसका एड्रेस देगी। वो आराधना अब मिलने जाएगी अपनी रियल माँ से। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखोगे कि अब रियांश का रिएक्शन क्या होगा आराधना की तरफ, कि उस जब उसे पता चल जाता है कि आराधना मयंक से मिलने क्यों गई थी उस होटल रूम में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के लिए अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगा। आपका ये सीरियल बरसातें कितना फेवरेट है आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स।